नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी दौरान उन्होंने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना है। सीएम ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम रहेंगे एकजुट। बटेंगे तो कट जाएंगे। बांग्लादेश में जो गलतियां हुई उन्हें यहां नहीं होना चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करना होगा। ये आह्वान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कल जब मुख्यमंत्री मथुरा में थे वहां से भी उन्होंने बड़ा संदेश दिया था। सीएम ने कहा कि आज के वक्त में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की भी चुनौती है और इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा गया और इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, इस समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये अपील कर रहे हैं कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा, एकता का संदेश देना होगा, बटना नहीं होना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार जातिगत राजनीति की और जनगणना की बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। की पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे हमले बढ़ रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो। आप कहते हैं फलस्तीन के बारे में, फलस्तीन की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है, फलस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई। करी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें वरना देश विखंडित हो जाएगा।
तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीन जमाई अब भी फिलिस्तीन का बचाव करते दिख रहे हैं। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही थी कि जो लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं वो बांग्लादेश पर चुप हैं। सीएम के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। वहीं सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है साधु संतों ने। उनका कहना कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति कहीं भारत में न बन जाए। ठीक बात कहा है योगी जी ने। बांग्लादेश ज्वलंत हम लोगों के सामने उदाहरण है कि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आँख उठाकर देख ले, लेकिन विश्व भर में फैले अनेकानेक मजहब पंथ के अनुयायियों को ये पता है कि भारत जो हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है वो स्वयं अपने ही देश में एकजुट नहीं है। सीएम योगी बार बार हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अड़िग है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हर दल जातिगत जनगणना चाहता है, बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलेगी। हमें उम्मीद है कि जनगणना होगी, हम हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं, उम्मीद है इसका डेटा आएगा। बीजेपी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती, यह आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए। राजनीति का चक्र वहाँ पहुँच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है।